हाल में ही अमेजोन पे कॉस्मिक बाइट की एक सेल थी जिसमें मुझे ये कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला डार्क मैटर वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिल गया, दैट इज मात्र 829 रुपीज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक फीचर बैक अनबॉक्सिंग की जाए और बताया जाए कि क्या अगर आपका बजट भी 900 के अंदर है तो क्या आपको ये गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट्स योर होस्ट नितेश, इफ यू एंड अप लाइकिंग दिस वीडियो सो प्लीज गिव थम्स अप टू द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग बात करें इस पैकेजिंग की, तो जो अमेजोन की पैकेजिंग थी वो काफ़ी अच्छा थी और इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही अगर आपको बॉक्स में सबसे पहले जो दिखता है वो है फोम में लपेटा हुआ ये गेमिंग कीबोर्ड माउस। अगर बात करोगे तो ये है हमारा कीबोर्ड एंड दिस वन इज आवर गेमिंग माउस, ये है हमारा गेमिंग माउस। अगर बात करेंगे और पैकेज कंटेंट्स की, तो और पैकेज कंटेंट्स में हमें क्या अवेलेबल होती है, तो हमें ये एक फीचर लिफलेट अवेलेबल होती है जिसमें हमारी जो भी गेमिंग कीबोर्ड माउस की जितनी भी फीचर्स है वो इसमें लिस्टेड है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो लिस्टेड है। तो चलो एक एक करके इनके फीचर्स देखते हैं और एक एक करके देखते हैं कि ये आपको वर्थ कंसिडरेबल है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इस कीबोर्ड माउस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया है और मैं इसको कुछ देर से यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये कीबोर्ड माउस मुझे मिला है, डेट इज 829 रुपीज़, ये अपने प्राइस को बिल्कुल ही जस्टिफाई करता है। अगर बात करोगे कीबोर्ड की लुक की, तो कीबोर्ड की लुक भी काफ़ी ठीक है और बात कर रहे हैं अगर माउस की लुक की, तो माउस की भी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर बात कर रहे हैं माउस के RGB की, तो इसकी आप RGB जैसे देख सकते होगे, इसकी RGB काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और क्लासी है और ये जो RGB है किसी को भी फर्स्ट रूम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है। उसकी RGB ऐसी है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस RGB देखने को नहीं मिलती है माउस में। तो मुझे अगर बोलोगे तो पर्सनली कीबोर्ड एंड माउस में से जो माउस है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब बात करेंगे कुछ कीबोर्ड की फीचर्स के बारे में, तो कुछ क्विक फीचर्स अगर इस कीबोर्ड की देखें, तो अगर हम इस वाले बटन को, डैट इज़ ये लाइट कंट्रोल बटन है, इसको दबाते हैं तो ये आपकी जो बैकलाइट है वो चेंज हो जाती है। जैसे अभी ब्लू हो गई, फिर पर्पल हो गई, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है और फिर मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो दोबारा मेरी रेड कलर आ जाती है। अगर मैं फंक्शन के साथ इसको प्रेस करता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग मोड, तो ये ब्रीथिंग मोड इनेबल हो जाता है जो तीनों कलर में स्विच करता है। अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करता हूँ तो लाइट्स हो गई ऑफ, और दोबारा प्रेस करने पे मेरी लाइट्स हो गई ऑन। अगर इस वीडियो में मैं जो रेड कलर आपको दिखा रहा हूँ ये मैक्स ब्राइटनेस पे है, अगर मैं FN दब करके पेज डाउन करता हूँ तो ब्राइटनेस कम हो गई, एक बार और करता हूँ तो और कम हो गई, और तीसरी बार करता हूँ तो ये ऑफ हो जाए, और फिर मैं अगर पेज अप करता हूँ तो ये जो ब्राइटनेस है वो धीरे 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 क्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये आपको तीन लेवल ब्राइटनेस कंट्रोल मिलती है, तीन RGB कंट्रोल मिलती है और एक ब्रीथिंग मोड भी मिलती है देखने को। अब इस कीबोर्ड की वेट की बात करें तो ये कीबोर्ड आती है 855 ग्राम्स के वेट के साथ में, क्योंकि ये एक फुल साइज कीबोर्ड है। डैट इज़ इस कीबोर्ड में आपको 104 कीज़ के साथ 12 कॉम्बिनेशन कीज़ को भी देखने को मिलते हैं। की प्रेस की बात करें तो की प्रेस जो है वो स्मूथर साइड में ज़्यादा लाई करती है और कीबोर्ड में आपको 19 एंटी घोस्टिंग कीज़ प्रोवाइडेड है जो एक विंडोज़ डिसेबल की के साथ में आती है। अगर आप भी कीबोर्ड से उसकी क्लिकी साउंड देख कर लेते हो तो इसकी साउंड मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। इस माउस की जो RGB आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, एक पतली सी RGB की स्ट्रिप पूरे माउस को किनारे से कवर करती है और साथ ही में आपको कॉस्मिक बाइट का एक ग्लोइंग RGB लोगो देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे होगे इस RGB को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो सर आप बिल्कुल इस RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते हो बाई एनी मीन, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हो, चाहे आप किसी DPI बटन का यूज़ करके इसकी RGB को चेंज करना चाहते हो, डैट इज़ आपको ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक RGB कंट्रोल देखने को मिलते ही इस माउस के अंदर में। अगर बात करेंगे माउस के किनारे में, तो माउस के किनारे में आपको जैसे देख सकते होगे एक ग्रिप देखने को मिलती है जो आपको माउस होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और माउस में आपको ओवरऑल 6 बटन देखने को मिलते हैं। माउस की अगर केबल क्वालिटी की बात की जाए, तो माउस में आपको नॉर्मल सी केबल देखने को मिलती है। आज के समय में आप जितने भी पेरिफेरल्स लेते हो तो नॉर्मली सब में आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है, बट स्टिल अभी भी कॉस्मिक बाइट ने पता नहीं क्यों ब्रेडेड केबल नहीं दी है, बट जो भी है जैसी है वो आपके सामने ही है।
आपको ब्रेडेड केबल नहीं रेगुलर केबल देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इस माउस में 6 बटन्स के बारे में, तो आपको ये एक लेफ्ट बटन मिल जाती है देखने को, ये आपकी राइट क्लिक बटन है, आपकी फॉरवर्ड बटन, बैकवर्ड बटन, एक DPI स्विच बटन और ये है आपकी स्क्रॉल व्हील। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि ये DPI आपकी कैसे मदद करती है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं एक बार आपको बता दूं कि जो ये DPI आपको ऑफर करता है वो है 1800, 1200, 1600 एंड 2400। और ये जो DPI है वो बस एक सिंगल बटन के स्विच से आपकी कंट्रोल होती है। इसकी जो पोलिंग रेट है वो आपकी 250 हर्ट्ज़ है और जो आपकी माउस की वेट मिलती है वो मिलती है 120 ग्राम्स की। तो एक बार चलो इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं इसकी DPI की। अभी जो DPI मैंने सेलेक्ट करके रखी है वो है 800, जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मैं काफ़ी तेज़ी से इसको रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन जो DPI है वो जो है वो उसके वजह से ये जो माउस है वो काफ़ी धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर माउस की वेट की बात करें तो माउस की वेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेबल से चिपका हुआ रहता है। अब मैं DPI को स्विच कर देता हूँ और मैं DPI को अब कर लेता हूँ 1200 करने के बाद आप देख सकते होंगे कि क्या असर पड़ी है, क्या डिफरेंस हुई है। माउस की जो आपकी स्क्रॉल स्पीड है वो इंक्रीज कर गई है एज सुन एज वी इंक्रीज द DPI ऑफ द माउस। अब बात करेंगे, ये है आपकी 1600 DPI और ये जो है ये आपकी मैच DPI डेट इज 2400। इतनी ही तेज में देखो कितनी तेजी से ये रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो अगेन वी स्टार्ट एट 800 DPI। तो आप देखे समझ गए होगे कि इसकी DPI जो की है वो कैसे फंक्शन करती है, आपको किस लेवल की DPI प्रोवाइड कर देती है। बात करेंगे अगर मैं आपकी माउस की मैक्सिमम फ्रेम रेट की, तो ये आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट सपोर्ट करता है वो है 4000 FPS। ठीक है, तो जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको माउस के सारे फीचर्स को मेंशन कर दिया है, तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरी फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि वेदर यू शुड बाई दिस गेमिंग कम्बो और नॉट, तो देखो मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो गेमिंग कॉम्बो था ये मुझे कॉस्मिक बाइट की सेल पर मिली और ये मुझे मिली मात्र 829 रुपीज़ की। तो उस टाइम पे सेल में इससे ज़्यादा बेटर डील मुझे नहीं मिल रही थी और इसकी वजह से मैंने ये जो गेमिंग कॉम्बो है ये परचेस किया। जैसा कि आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे होगे तो आप देखे होगे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही जस्ट एक रीसेंट बिल्ड किया है अपने फ्रेंड के लिए और वो फ्रेंड के बिल्ड में ये जो गेमिंग कीबोर्ड माउस है वो जाने वाला है। तो उसके लिए क्योंकि वो अभी इस सब में बिगिनर्स है तो उसके लिए ये कीबोर्ड माउस काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट रहने वाला है और वो एंट्री लेवल गेमिंग के लिए आराम से इसको यूज़ कर सकता है। तो जैसा कि आप भी अगर यूज़ लेना चाहते हो तो अगर ये आपको कॉम्बो 1000 रुपीज़ के अंदर में मिल जाता है तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हो। अगर 1000 रुपीज़ के ऊपर में तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड गियर के तरफ से आने वाला ग्रीन की कॉम्बो डेट इज़ G20 या आप एंटी स्पोर्ट्स की KM500W वाली कॉम्बो को भी ले सकते हो जिसकी मैंने पहले ही पिछली रिव्यू कर चुकी है। अगर आपने अब तक वो रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। ये वो कीबोर्ड माउस मैंने परचेस किया था मात्र 1000 रुपीज़ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही आपको PC रिलेटेड कंटेंट्स, अनबॉक्सिंग, ट्रबल शूटिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने बेल आइकन को भी अब तक नहीं दबाया है तो बेल आइकन को याद से दबा लेना ताकि आपको फ्यूचर के सभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।